मेरा नाम है स्वामी राम शंकर, इंटरनेट पर हमको डिजिटल बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल बाबा। डिजिटल बाबा, डिजिटल बाबा, डिजिटल बाबा, बहुत सारे कंप्यूटर बाबा तुमने तो मालूम है। नहीं तो वो कंप्यूटर तो एक दौर में नया आया था। हाँ। आजकल सारा जो कम्युनिकेशन का अप्रोच है, टूल है, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाँ। तो मुझे लगा कि जो यंग एज है वो जो ट्रेडिशनल जो तरीका होता है कथा सुनाने का, प्रवचन करने का, उस फॉर्मेट में वो अपने आप को फिट नहीं महसूस करता है, और इसलिए उसको जहाँ वो इंगेज है वहाँ पर हमको जाना होगा। और मैंने वो समय के हिसाब से समझा, तो आजकल मैं काम कर रहा हूँ काफी दिनों से, 2017 से मैं एक्टिव हूँ, 2000 कुंभ में लोगों ने मेरी मेहनत को समझना शुरू किया। काम क्या करते हैं आप? मैं यूथ के बीच में जाकर के ओपन एयर इंटरैक्ट करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनकी लाइफ से जुड़ी बातें, वो आध्यात्म को लेकर कितना सीरियस हैं, लाइफ में उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ। इन सब पहलुओं पे मैं बात करता हूँ। डिजिटल बाबा जी, तो आपका स्थान कहाँ है? डिजिटल बाबा, एक से एक बाबा पैदा हो रहे हैं। बाबा नहीं, बहुत रेलिवेंट बाबा है, बिना समझे मत बात। बाबा बहुत बढ़िया बात करते हैं, इनका हर प्रोग्राम हम देखते हैं, इनका एक एक बात जो है अगर आदमी अपना अंदर में उतार ले तो हमारा हिंदुस्तान आज विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। देख के बोल रहे हो ना ये बात? नहीं, देख करके नहीं, हमेशा इनका यूट्यूब में आता है। बहुत अच्छा पूछते हैं बाबा, इतना बढ़िया सवाल पूछते हैं। यंग लोग क्या करना चाहते हैं, यंग लोग की क्या सोच है, ऐसे जो है ये हाईटेक बाबा है, बहुत अच्छा। मैं 2 घंटे पहले फेसबुक लाइव किया हूँ, उसको अभी तक 60,000 लोग देख चुके हैं, इसी जगह से किया। अरे हमें यहाँ 60 लोग नहीं देख पाते। आपका कहना गलत है कहनी बाबा, आपका जितना आदमी देखता है ना उतना किसी भी चैनल को नहीं देखता। आर कभी आर भारत अच्छी न्यूज के बाद में। अरे रुको भाई, और वो आगे जो पीछे जो कवित्री को दबाए उधर चलो जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कल की प्रतीक्षा है भैया जी।